खुद को संभालो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, तो सजा क्यों खुद को दे रही हो? आज आया था मेरे दफ्तर में, धक्के देके बाहर निकलवा दिया। बोलो मैं। वापस आ जाओ प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। नामुमकिन है अबू मैं। तुमने मरियम को तलाक दे दी और मैं गुस्सा भी ना करूं। मरियम, शाइस्ता, मेरे यारा, दिलदारा। क्या हुआ अम्मा, किसका फोन था? किसी का नहीं। इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है मुझसे? अगर तुम इसी तरह सोते रहे ना, तो जो थोड़ा बहुत बिजनेस बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ये तो बता दें, कॉल किसकी थी? मरियम के फादर का था, मिलना चाहते हैं। क्यों? तुम मरियम को इतनी जल्दी छोड़ सकते हो, लेकिन वो अपने मरहूम दोस्त की फैमिली को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि वो चाह के भी अपना ताल्लुक नहीं खत्म कर सकते, वो इतने खुदगर्ज नहीं है। सर्दियां एंजॉय करने का बहुत दिल चाह रहा है इस बार ऑस्ट्रेलिया में। ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ। उमर बहुत रूड हो चुका है, और भी बड़ा दिन। मैं आई विल कॉल यू बैक। अम्मा संभालिए अपने आप को। मत हाथ लगाओ मुझे। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूं। अम्मा अम्मा पानी पिए। नहीं पीना मुझे, तुम्हारे हाथों से पानी। इन हाथों से पैसे लेने में कोई मसला नहीं है आपको, लेकिन पानी नहीं पीना। जल्दी से पिए, बाद में गुस्सा कर लेना। अब तुम भी शुरू हो गई मुझे बातें सुनाना तुम्हारे बाप की तरह। अच्छा एक एक घूम पर चली जा, तुम दूर हो जा मेरी नजरों से। चली चली जा, मजाक कहीं की। हूं मैं बदजात और आपके कहने से बदल नहीं जाऊंगी। अम्मी चच्ची जान का फोन आया था, कह रही थी जल्दी से तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए जाना है। और कुछ कह रही थी? हाँ कह रही थी कि कुछ पैसे साथ रख लेना, हमारी तरफ से भी शॉपिंग वही करेंगी। और ये भी कह रही थी कि आपको कुछ लेना नहीं आता। ये तो हाल है तुम्हारी चच्ची का, इसीलिए असद कह रहा था कि निकाह पहले से करने की जरूरत नहीं है। इतनी महंगी शॉपिंग करती हैं, मैंने तो सोचा था कि शादी के मौके पर अच्छे कीमती तोहफे दे दूंगी। अब वो बार बार जता रही हैं कि निकाह के मौके पर भी लड़की की तरफ से महंगे जोड़े आते हैं, वरना उनकी महके में नाक कट जाएगी। अब उनकी नाक बचाने के लिए मैं अपने बेटे की कमर तोड़ दूं। तो आप मना कर दें शादी से? ऐसे कैसे मना कर दूं बेटा। अच्छा चलो पैसे ले जाओ।
पे तो बार बार जताती हैं कि मेरा इकलौता बेटा है, आपकी इकलौती बेटी है, कंजूसी ना करें। अब उनको कौन समझाए कि घर में आने वाली कमाई भी तो एक ही है। तो आप एक काम क्यों नहीं करती, इनकार कर दे शादी से। ये लो, ध्यान से खर्च करना, ये पैसे नहीं है, मेरे बेटे का खून पसीना है। अम्मी आप शादी से इनकार कर दें। बेटा शादी ब्याह के मौकों पर ऐसे खराजात हो ही जाते हैं, पर कामरान कितना अच्छा लड़का है, तुम्हारे चचा भी तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बेटा मैं गैरों में इतना अच्छा रिश्ता कहाँ ढूंढूंगी। चची की बातों को दिल पर ना लिया करो, दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी आने की कोशिश करना, तुम्हारी चची तो बाजार जाके भूल ही जाती है। अच्छा जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन आप मुझे कहीं जॉब क्यों नहीं करने देती हैं? जरूर करना बेटा, पहले अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो। वो भी हो जाएगी। चल जाओ तैयार हो जाओ। चली जाओ ना मरियम, देखो तो सही तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। हाँ तो कल लेकर चलूंगी तुम्हें पार्लर, बता रही हूँ मैं। हमारे पापा सुबह से बार बार फोन कर रहे हैं, तुमने खाना खाया या नहीं, दवा ली या नहीं, और वो कह रहे थे आज हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। मामा प्लीज। खबरदार जो तुमने मना किया, वैसे इतने दिनों से पापा के साथ डिनर नहीं किया और तुम नखरे दिखा रही हो। मरियम घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, तुम्हें अब अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे शाम को, अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम। यार मरियम पिछले काफी महीनों से तुम अपने कमरे में आराम ही कर रही हो। मैं आपको बता रही हूँ आप इसकी शादी करवाते हैं। शादी नहीं जल्दी, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। मामा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप पापा से बात तो करके देखें। बेटा नहीं गुमसुम क्यों बैठी हुई हो, दिखाओ तो क्या लेकर आई हो। चची ने कुछ जोड़े भेजे हैं और कहा है कि मैं आपको दिखाकर उनको वापस भेज दूं। तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा, बताओ बेटा क्या चची ने कुछ कहा है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा बेटा। अम्मी आपने मुझे पूरे 10,000 रुपए दिए थे ना, उसमें से पूरे 8,000 का जोड़ा तो चची ने अपने लिए ले लिया। 8,000? आपने मुझे कहा था ना कुछ पैसे बचा कर ले आना, लेकिन चची ने मुझे इतनी बार जता दिया कि मैं इतने कम पैसे लेकर आई हूँ और मैं उनकी इकलौती बहू बनने वाली हूँ और हम उन्हें चंद अच्छे जोड़े लेकर नहीं दे सकते। तो बेटा इसमें रोने की क्या बात, हर माँ के दिल में अपने बेटे की शादी का अरमान है। फजीला भी यही चाहती है कि कामरान की ऐसी शादी हो कि खानदान में किसी की ना हो, और तुमको पता है उनके मैके से भी कामरान के लिए कई रिश्ते आए। वो ये चाहती हैं कि उनके खानदान से कोई ये ना कहे कि उन्होंने हमारे घर रिश्ता करके कोई गलती की। मगर अम्मी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हैं बेटा तुम क्यों फिक्र करती हो, और अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है ना, शादी में तो बहुत दिन है, मैंने दो कमेटियां डाली हैं और फिर हम कर्ज भी तो ले सकते हैं। और वो कर्ज कौन चुकाएगा,
मेरा भाई, इतना सारा जहेज इकट्ठा कर तो रखा आपने मेरे लिए, भाई की शादी नहीं करनी है आपको? करनी है बेटा, हमारे साथ अल्लाह है, हमारी हर मुश्किल वही आसान करेगा। क्यों परेशान होती हो? अब मत परेशान। जहीर क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं नहीं, बताएं तो क्या बात है? कहा कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें कोई, मैं तो कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, बस मुझे मेरे फ्लैट से पिक कर लो फिर, ठीक है? ओके बाय। कहाँ जा रही हैं? आपको कोई काम है? घर के बिल मैंने राशिद से पैसे लेकर दिए थे, दो बार वो बच्चे को भेज चुका है, क्या करूँ? कितने पैसे? इसके कुछ पहले के भी पैसे देने हैं मैंने। टोटल बताएं। 5,000। और सुनो, घर में राशन और सब्जी सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। जा कहाँ रही हो? जो पैसे आपके हाथ में रखे हैं ना, छीनने जा रही हूँ लोगों की जेबों में से। ये जो बन संवर कर तुम रोज घर से चली जाती हो और रात गए आती हो, क्या पैसे कमाने का यही तरीका रह गया, कोई और नहीं है? अम्मा, आपके एक हाथ में नसीहत है और दूसरे हाथ में लालच। कभी आप मुझे अपनी नसीहतों के थप्पड़ मारती है और कभी लालच से मेरा गला घोंटती है, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जा रही हूं, दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ हाँ जाओ। क्या सोच रहे हैं? मरियम की शादी का फैसला कर लिया है। मरियम की शादी? इतनी जल्दी भी क्या है? जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर। खूब कोई रिश्ता है नजर में? हाँ है, असद। असद? हाँ असद। असद और मरियम की शादी, ये क्या कह रहे हैं आप? जो तुम सुन रही हो वही कह रहा हूँ। बाजी से बात करके मैं बहुत जल्द उनकी शादी करूँ। यानी आप फैसला कर चुके हैं और फैसला करके मुझे बता रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर रहा हूँ। क्यों, मरियम सिर्फ आपकी बेटी है क्या? मेरी कुछ नहीं लगती। ये बात आपके दिमाग में आई कैसे, मैं समझ नहीं पा रही। क्यों, इसमें क्या बुराई है? राई है, इंतहाई बेजोड़ रिश्ता है ये, आपको नजर नहीं आ रहा? सोच समझ कर फैसला किया है मैंने मरियम की खुशियों के। खुशियां? उस दो कमरों के मकान में आप मरियम की खुशियां तलाश कर रहे हैं। असद की सैलरी कितनी है? उससे ज्यादा तो हमारे कुक की सैलरी है। हमारे कुक में और मेरे भांजे में फर्क है शायस्ता। अच्छा, क्या फर्क है बताएं? मैंने कहा ना, मैंने फैसला कर लिया है। मरियम से पूछ लिया? बता दूं? जब मुनासिब समझूंगा बता दूंगा, उससे पहले तुम उससे कोई बात नहीं। और शाहिना बाजी, वो मान जाएंगी? मान जाएंगी, शाहिना बाजी ने मेरी कभी कोई बात नहीं उठाई। लेकिन आप टालेंगे। याद है जब वो मरियम के लिए असद का हाथ मांगने आई थी, आपने किस बुरी तरह से इनकार किया था? ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। वो हमेशा से ये चाहती है कि मरियम उनकी बहू बने, तो उन्हें क्या एतराज हो सकता? पहले की बात और थी, मरियम अब तलाक याफ्ता है, वो नहीं मानेगी। मैंने कहा ना, मैं बाजी को राजी कर लूं।
बेटा तुम यहाँ के क्यों बैठ गए? हाँ, वैसे मैंने कहा बाहर थोड़ी देर बैठ। खाना खाओगे? मंगवाओ। खाना आप यही मंगवाओ। नादिया, नादिया। जी अम्मी। बेटा भाई के लिए खाना यही ले। तुम्हारी चची ने तो बड़ा खर्चा करवा दिया, पूरे 8,000 का सूट लिया है शादी के लिए। चले, चची को भी अपने शौक पूरे करने दीजिए। अरे उनके शौक तो हमारी कमर तोड़ देंगे। और अभी ये हाल है तो फिर शादी पे क्या करेंगे? नादिया तो खुद बहुत परेशान है। नहीं, फजीला चची को समझाने से बेहतर है कि आप कामरान को समझाएं। अभी अनकरीब नादिया के भी सारे खर्चे उसी ने बर्दाश्त करने, कैसे करेगा? नादिया देखो, कामरान अच्छा लड़का है, उसे जरूर पसंद करो, लेकिन आंखें बंद मत कर। बहुत से खर्चे होते हैं शादी के बाद, उसे कहो कुछ काम करे, तुम्हारे लिए आसाइशें इकट्ठी करे। नादिया देखो, ये जो दौलत होती है ना, दौलत चाहे आप इसे 1,000 बुला दे, लेकिन ये जमाना इसकी याद आपको दिलाता रहता है। असद, कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना तो खाओ। भूख नहीं है मुझे। अम्मी एक बात बताएं, क्या जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वैसे ही होता है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मरियम की शादी असद भाई से हुई होती तब भी उसको तलाक होती। ये क्या बेवकूफी की बात है? बताए ना, मुझे इतना यकीन है कि मेरा असद किसी को दुख नहीं दे सकता। ये तो है। अच्छा, ये बर्तन उठा लो। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? नहीं। आज हमें बाजी की तरफ जाना है। मैं नहीं जाऊंगी। जिद क्यों कर रही हो शाइस्ता? कम से कम तुम तो मुझे समझो। क्या समझूं मैं आपको? सही, आप मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कर रहे हैं जो उसके लायक नहीं है। असद मरियम के लायक नहीं है? क्या कमी क्या है उसमें? दौलत और हैसियत के अलावा क्या कमी? दौलत और हैसियत की अपनी एक हैसियत होती है जहीर। अपनी बेटी की इतने आलीशान घर में परवरिश करने के बाद आप उसे छोटे से घर में भेज के समझते हैं कि उसके लिए खुशियां तलाश कर रहे हैं। दौलत से खुशियां नहीं खरीदी जाती है मेरी जान। अगर दौलत से खुशियां मिलती तो हम इस हाल को होते? सारी किताब पढ़ते हैं, वो किताबों में ही रहने दें, वही अच्छी लगती है। जिंदगी के 80% दुखों का इलाज सिर्फ पैसा है। यानी मुझे अकेले ही जाना होगा? आपको मरियम के निकाह में भी अकेले ही बैठना होगा। मरियम को मोहब्बत के नाम पे ब्लैकमेल कर सकते हैं, मुझे नहीं। तुम जानते हो हमारा बिजनेस अलग होने से हमें कितना नुकसान हुआ है? जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और सब मेरी वजह से हो रहा है। मरियम को आप अपनी बेटी बना लीजिए, असद से मरियम की शादी कर दीजिए। क्या कह रहे हो जहीर? असद से? जी बाजी, असद से।
नादिया, नादिया भाई कहाँ हो तुम? इसने अभी तक मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। बेटा भूल गई होगी, नहा रही है, लाओ मुझे धोने कर दो। असल जी बेटा, कल को नादिया की शादी हो जाएगी तो कौन इस्त्री करेगा? क्यों, आप कहीं जा रही हैं? श्री सब समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ, कोई है क्या? नहीं है बेटा, मैं चाहती हूँ कि नादिया से पहले नहीं तो कम से कम उसके साथ या उसकी फौरी बात में शादी करूँ। अगर कहो तो फजीला से बात करूँ, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता। जी अम्मी, जैसे आप मुनासिब समझे। जी फिर हो बेटा। उमेर, आज तुम सुबह से कहाँ थे? क्लब गया हुआ था। क्लब में तो मैंने फोन किया था, तुम वहां नहीं थे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्लब ही गया हुआ था। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए शायान के साथ घूमने फिरने के लिए निकला था। कोई जरूरी काम था तो आप मुझे कॉल कर सकती थी। देखो मैं, तुम अगर अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो बहुत नुकसान था। कल तुम ऑफिस आ जाना, और ऑफिस से कहीं और जाने की जरूरत नहीं, समझे? लगता है अब आपको भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा। हाँ, ट्रस्ट नहीं रहा। तुम जानते हो हमारा बिजनेस अलग होने से हमें कितना नुकसान हुआ है? जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि बिजनेस को बहुत नुकसान पहुँच रहा है और सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन आपने भी तो मुझसे कहा था कि बहुत जल्द जहीर अंकल के साथ आपकी सुलह होने वाली है, वो आपको पार्टनर बना लेंगे। क्या बना? ये काम इतनी जल्दी के नहीं है। जो गलतियां हम कर बैठते हैं, उन गलतियों को इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। और जो अलग हो गया उसे एक होने में वक्त लगेगा। कैसी हैं आप बाजी? अल्लाह का शुक्र मैं तो ठीक हूँ। आज तो शाइस्ता और बच्चियों को भी ले आते। जी वो भी आएंगी, आएंगी वो भी। नादिया बेटा, मामू के लिए कुछ लाओ। नहीं नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। असद कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आ तो जाता है रोज, आज लेट हो गया पता नहीं क्यों। क्या बात है जहीर, परेशान लग रहे हो? मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता है। मैं बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। जी परेशान तो हूँ बाजी, बहुत परेशानी है मुझे मरियम की तरफ से। मैं जिस हालत में वो है मुझसे इस तरह देखा नहीं जाता। मरियम की तरफ से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ सही, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब किस्मत के खेल हैं। मैं दरअसल मरियम के सिलसिले में ही आपसे बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूं कि मरियम को आप अपनी बेटी बना लीजिए, असद से मरियम की शादी कर दीजिए। क्या कह रहे हो जहीर, असद से? जी बाजी, असद से। इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? आप खुद ही तो चाहती थी कि मरियम इस घर की बहू बने, नहीं? जबकि बात और थी जहीर। अब क्या बाजी, अब सिर्फ इसलिए कि मरियम को तलाक हो गई? नहीं जहीर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है फिर कैसी बात है? आपका भाई सख्त परेशान है, आप उसकी कोई मदद नहीं करेंगे?
आपको तो बल्कि ये सोचना चाहिए कि मरियम को तलाक हुई है, मैं उसका बाप हूं, आप फूफो हैं उसकी। जरा इस नजर से सोचिए ना। जहीर, मैं असद से पूछे बगैर जवाब नहीं दे सकती, उससे पूछ तो लूं पहले। बिल्कुल पूछिए असद से, आपको पूछना भी चाहिए, और मुझे मुझे यकीन है कि असद इनकार नहीं करेगा, वो बहुत फरमाबरदार बच्चा है। बस आप सहन में ये बात रखिएगा बाजी, आपका भाई सख्त परेशान है, उसे आपकी और असद की मदद की जरूरत है। कराए अपनी लाडली बेटी की बात पक्की? क्या जवाब दिया शाहिना बाजी ने? वक्त मांगा उन्होंने। इनकार करेंगी, मेरी बात मान ले। शाइस्ता, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकूंगा। गलत फैसले इंसान को अकेला कर देते हैं। सही, कम से कम इस वक्त मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फल कौन लेकर आया? फजीला चची तो नहीं लेके आ सकती थी? जहीर मामू लाए थे। मामू आए थे? और कौन कौन आया था उनके साथ? बैठो यहाँ मेरे पास, तुमसे बात करना है। जी। बेटा, आज जहीर आया था मरियम के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। मरियम का रिश्ता? हाँ, मैं सोच रही हूँ दो चार दिन में से बल्फाज देख के और मना कर दूंगी। तुम बताओ तुम्हारी क्या राय? अम्मी, जैसे आप मुनासिब समझे। बेटा, मरियम भी मुझे बहुत अजीज है, मेरी भांजी, लेकिन तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। और मामू को वैसे भी कोई शिकवा होना नहीं चाहिए कि जब हम उनके पास रिश्ता लेकर गए थे तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसे करके उनसे बदला थोड़ी लेना है। बिल्कुल नहीं बेटा, बदले वाली तो कोई बात ही नहीं। उस वक्त जहीर की मर्जी नहीं थी, उसने इनकार कर दिया, मुझे उस वक्त भी कोई शिकवा नहीं था, और खुदा जानता है कि मुझे आज भी कोई शिकायत नहीं है उससे। भाई, उसकी मर्जी है, उसकी बेटी है, वो जो चाहे उसके बारे में फैसला करे। इसका मतलब यह है कि क्या आप उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते? भाई, मेरे चाहने ना चाहने से क्या? मैं तो इसलिए इनकार करना चाहती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहता। ना? मतलब यह कि मैं मरियम से शादी के लिए तैयार हूँ। मगर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मरियम को तलाक हो चुकी है। हाँ, पता है मुझे, लेकिन मुझे इस चीज से कोई इतराज नहीं। भाई, जब मेरे बेटे की मर्जी है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है? कल मैं जहीर को फोन करके जवाब दे दूँ। कर रही हो?
कुछ भी नहीं। तो काफी अरसे से फ्री हो, कोई जॉब क्यों नहीं स्टार्ट करती? बल्कि पापा के ऑफिस में चली जाओ, पापा भी खुश हो जाएंगे। पापा सो गए हैं क्या? नहीं, लाइब्रेरी मैनेजर। इस वक्त? हाँ, कुछ परेशान थे। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। घर पे है कोई? घर पे तो कोई नहीं है, मरियम बेबी है। हाँ अंदर। हेलो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं वो ये अम्मी ने मामू के लिए पंजीरी भेजी थी, ये देने आए। लेकिन पापा तो दुबई गए हैं। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। दुबई गए? अच्छा हाँ हाँ, तुम ट्राई कर लेना। तुम्हारा ही घर है, तुम भी बैठ सकती हो। राइट, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा घर है। जूस, चाय, कुछ? चाय पियोगे? चाय। ऐसा आज तक इस घर में हुआ नहीं है। क्या हुआ? दूध खत्म हो गया यार। दूध खत्म हो गया? अच्छा, हैरत की बात है, आप लोगों के घर में भी ये छोटी छोटी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दूध वाकई में खत्म हो गया। चाय नहीं पिलानी तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम पिलूंगा। गॉड, मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोल रही। उठो उठो, आओ भी। देखो दूध नहीं है। दूध खत्म है। दूध खत्म? हाँ तो मैं जूस पी लूंगा। Thank you for the panjiri, by the way. No problem.
जाओ बेटा, आओ बैठो। आप यहाँ आए? मैं आपको स्टडी में ढूंढ रही थी। हाँ नहीं, मैं स्टडी में ही था, मैंने सोचा कि मैं खुली हवा में बैठूं, इसलिए यार। क्या बात है पापा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपने खाना भी नहीं खाया? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप डिस्टर्ब हैं। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी वजह से तो है ना? तुम्हारी वजह से तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तभी तो एक ऐसी हो जिसकी वजह से मेरी सारी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए, तब तो मेरी खुशी हो। जानती हो, एक बार बचपन में तुम बहुत छोटी थी तो मेरे सर में दर्द शुरू, दवा खाई फिर भी आराम। तुमने मुझसे कहा कि पापा मैं आपके माथे पे हाथ रखती हूँ, आप ठीक हो जाओ। तुमने ऐसे ही किया, तुमने मेरी पेशानी पे हाथ रखा और मैं सचमुच ठीक हूँ। तो बस फिर आप मेरी वजह से परेशान मत हुआ करें। मरियम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए पापा। तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम इनकार नहीं करोगे, जो कुछ भी मैं कहूंगा तुम्हें मानना। आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? और आप एक नहीं दो दो वादे हैं मुझसे। मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। ये लीजिए,
थैंक यू। अरे ये क्या है? यूरोप ट्रिप की टिकट्स हैं। एक्साइटिंग ना? वाओ दैट्स अमेजिंग। लेकिन सुनो, मैं वक्त नहीं निकाल पाऊंगा यार, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगा। तुझे बाकी भी पाना सकी। और जानती हो तुम, उससे मैं तुम और ज्यादा क्यूट लगती। शट अप नाउ। अच्छा आई गॉट टू गो नाउ, शाम में मुलाकात होती है। और हाँ, हम बाहर जरूर जाएंगे, मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी असद से ही क्यों करना चाहते हैं वो। इसलिए कि मुझे मालूम है मैं जो कुछ भी अपनी बेटी से कहूंगा उसे कोई एतराज नहीं। हाँ अच्छा, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। वो मेरा अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास? क्यों तुम इतना हैरान क्यों हो? मैं पहली बार तो पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। पहले की बात और थी मेरा। तो फिर दोबारा कर लो वही बात। अम्मी आ जाएं। बेटा भाई उठ गया? अभी कहाँ अम्मी, इतनी जल्दी कहाँ उठेंगे वो? अभी तो ख्वाबे सरगोश के मजे ले रहे होंगे। अब भाई के सामने इस तरह मत कह दे। वैसे अम्मी एक बात समझ नहीं आई मुझे कि मरियम तो इतने बड़े घर में रहती है, वो इतने छोटे से घर में कैसे रहेगी? और मामू ने क्या सोच के बात की होगी आपसे? अरे बेटा, एक ना एक दिन इंसान को अकल जरूर आ जाती है कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती, असल कीमती तो इंसान है। और फिर मेरे असद जैसा हीरा मिल सकता है जहीर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो क्या जवाब दूं मामू? जैसे आपको मुनासिब लगे। अरे बेटा, माँ भी कभी औलाद से परे हटकर सोच सकती है? तो फिर इंतजार क्यों करवा रही है मामू को? फटाफट हाँ कह देना। अभी करती हूँ फोन, बल्कि बुलवा ही लेती। बहुत दिन से आया भी नहीं, इसी बहाने आ भी जाएगा। आप फिक्र ही ना करें, अब तो वो रोज ही आएंगे। उनकी लाडली बेटी जो आ रही है इस घर में। क्यों असद भाई? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मैं जरा फ्रेश हो गया था। अच्छा जल्दी आओ ना। लो अब लड़के भी शर्माएंगे। चुप करो तुम, तुम्हारी बारी आएगी फिर पूछूंगा तुमसे। तुम्हारे पापा कल आए थे तुम्हारे पास? तुमसे कोई शादी की बात की उन्होंने? जी। और तुमने हाँ कर दी? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी असद से ही क्यों करना चाहते हैं वो। इसलिए कि मुझे मालूम है मैं जो कुछ भी अपनी बेटी से कहूंगा उसे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है मरियम, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बेटा मेरे साथ आओ। जो बात होगी यहाँ मेरे सामने होगी। शायस्ता तुम जानती हो इस घर में हमेशा वो हुआ है जो मैंने चाहा है, और मैंने कभी गलत नहीं चाहा। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है इस घर की भलाई के लिए किया है, सबकी बेहतरी के लिए किया है। एंड ट्रस्ट मी, अगर असद से मरियम की शादी हो रही है तो यकीनन इंशाल्लाह इसमें भी भलाई है। असद ही क्यों? शायस्ता असद क्यों नहीं, भाई हमारे खानदान का है, शरीफ लड़का है, देखा भाला है। और गरीब है? उसी गरीब से तुम्हारी बेटी की शादी जैन। मरियम जहीर का ये फैसला अच्छा नहीं है। जाओ जाओ जाके इनकार करो अपने पापा को, वरना तुम सारी जिंदगी रोओगी। मामा पापा कल रात मुझसे वादा ले चुके हैं
और मैंने हाँ कह दिया है। पहाड़ में गया तुम्हारा वादा, ये तुम्हारी खुशियों का सवाल है। हम अगर मेरे हाँ से पापा को खुशी मिल रही है तो प्लीज जस्ट लेट इट बी। तुम असद के साथ खुश रह सकोगी उस दो कमरे के मकान में? मैं तो अब कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकती हूँ। मरियम ऐसे मत कहो। अच्छा अभी मैं ये सोच रहा था कि हम घर में कुछ पेंट वगैरह करवा लेते हैं, कुछ डेकोरेशन की चीजें ले आते हैं। ओहो क्या जरूरत है बेटा फिजूल खर्ची। मम्मी हम घर तो चेंज कर नहीं सकते हैं, सोचा कुछ चीजें वगैरह ले आएंगे तो घर खूबसूरत लगेगा। हाँ हाँ अब तो इस घर में कीड़े ही नजर आएंगे आपको, बड़े घर से पाला जो पड़ने वाला आपका। चलो देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने एक्चुअली आज ऑफ लिया है ऑफिस से, शॉपिंग पे जाना था, सोच रहा था अगर आप साथ चलती हैं तो हम घर के लिए चीजें ले आते हैं। चलो ठीक है चलते हैं आज। इनकी बात किस तरह फौरन मान लेती हैं आप, फौरन कह दिया हाँ चलो। दूसरा मैं ये भी सोच रहा था कि सहन में गमले वगैरह रखते हैं, मैंने सुना है कि अगर घर में पौधे वगैरह हों फूल हों तो घर वालों का मूड बड़ा अच्छा रहता है। हमारा मूड वैसे भी ठीक रहता है, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं ना, जहाँ बड़े बड़े लॉन होते हैं और ढेर सारे फूल और पौधे होते हैं, उनका मूड खराब रहता है, नक चढ़े कहेंगे। अच्छा किस अमीर ने नाक चढ़ाई है आपको? टीवी ड्रामों में देखा मैंने, ये सारे अमीर जो है ना एक जैसे ही होते हैं, मगरूर और बददिमाग, अपनी जरूरत के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मामू की फैमिली को देख लें, वैसे आप मरियम के लायक नहीं थे लेकिन जैसे मरियम को तलाक हुई वैसे आप उनके मंजूर नजर बन गए। ऐसे नहीं कह देना दिया। तो अम्मी सच ही तो बोल रही हूँ मैं। नाराज कर दिया ना भाई को, इस तरह से मरियम को नहीं कहना चाहिए था। अम्मी आप और भाई बहुत भोले हैं, मामू इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। बहुत खूबसूरत है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने खुद पसंद किया? हाँ। और जानती हूँ मैंने पसंद कैसे की, आंखें बंद करके तुम्हें इमेजिन किया, जब आंखें खोली तो ये रिंग मेरे सामने थी। So happy you're with me. Hello. Pleasure. Mariam. ये सब क्या है मरियम, ये चीजें इस तरह से क्यों बिखरी हुई हैं? ये सब कुछ मैंने निकाल दिया, आप किसी को दे दें। ये सब कुछ किसी को दे दूं, इतनी महंगी चीजें? वहशत होती है मुझे ये सब देख के, या तो आप ये किसी को दे दें या फिर फेंक दें। तुम्हें वहशत इन चीजों पर नहीं हो रही, गुस्सा तुम्हें अपने फैसले पर आ रहा है। तुम अपना गुस्सा इन चीजों पे मत निकालो, अपने पापा के पास जाओ और इनकार कर दो। हो सकता है तुम्हारे पापा कल तुम्हारी फूफो की तरफ जाए और वहां तुम्हारा रिश्ता तय कराए, इससे पहले बात को खत्म कर दो
वरना सारी जिंदगी पछताती रहोगी। मैं क्या करूं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दलदल में फंसती चली जा रही हूँ। एक तरफ पापा की अनाय और दूसरी तरफ उमेर की बेवफाई, सब में मैंने अपना वजूद खो दिया है। प्लीज मम्मी, आप पापा से बात करें, आप उनसे कहें कि मैं उनसे वादा खिलाफी नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनके हुक्म की तामील भी नहीं कर सकती हूँ। मैं मर जाऊंगी किसी और। अम्मा, मेरे बैग से पैसे आपने निकाले? नहीं तो, मैंने तो तुम्हारे बैग से पैसे नहीं निकाले। जब मैं आपको इतने पैसे दे देती हूँ जितने आपको चाहिए, तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत है? ना, मैंने तुमसे कहा मैंने तुम्हारे बैग से पैसे नहीं निकाले, तुम खुद ही कहीं रख के भूल गई होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पैसे कहाँ रखे थे और कितने रखे थे। तो फिर चोरी हो गए होंगे। जैसा तुम काम करती हो ना, नतीजा वैसे ही तो निकलेगा। देख लेती हूँ मैं अभी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। सही कह रही हैं आप, जैसी कमाई होगी नतीजा वैसा ही होगा। भाई, इतना सारा सामान। अम्मी, भाई ने तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च करवा दिए होंगे। ये सब उसने अपने जमा पैसों से लिया। अच्छा है ना घर में जरूरत का सामान आ गया। कब से हमने घर के लिए कुछ नहीं लिया था। ये सब अमीरों के चौंचले होते हैं, मेजों पे और कुर्सियों पे बैठ के खाना। हम अच्छे खासे खुश तो थे अपनी टेबल पे। भाई, हम इतने से भी चौंचले ना करें। एक छोटा सा मेज पड़ा हुआ था, थोड़ा सा बड़ा मेज ले आया, बस इतनी सी बात। खुद ही बैठ के जब खाना खाओगी ना उस पे, तो तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा। अभी जो बातें सुना रही, देखिए अम्मी जरा इसको जाके देखो तो सही एक दफा। आज तो तुम्हें किसी दोस्त से मिलने के लिए नहीं जाना क्या? जी नहीं। कहीं जाओगे तो मुझे बता के जाना। जरूर। ये उमेर साहब कहीं बाहर जाएं तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ मैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों?
तुमसे मैंने कितनी बार कहा था मेरे करीब नहीं बताना, मेरे दफ्तर क्यों आ गई तुम? मैं तुमसे कोई रابطہ नहीं रखना चाहता हूं। ये सब तो तुमने कहा था ना, मैंने थोड़ी कहा था, और मैंने तो तुमसे ना मिलने का कोई ऐसा वादा भी नहीं किया। और तुम तो जानते हो मैं जब कोई वादा करती हूँ तो उसे वफा करती हूँ। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ अच्छा, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो, वो मेरा अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास? क्यों तुम इतना हैरान क्यों हो रहे? मैं पहली बार तो पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। पहले की बात और थी मेरा। तो फिर दोबारा कर लो वही बात। जी कौन लड़की? सारे पैसे ट्रांसफर हो गए। थैंक यू सो मच। तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे तुमने कहे थे सब के सब ट्रांसफर करवा दिए मैंने। अब खुश हो तुम? थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं आप? आपसे मोहन में मुलाकात हुई थी ना? वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। I think I should leave. Thanks again. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा के दिल में असद का ख्याल आया कैसे? उन्हें मरियम की अजियत नजर नहीं आ रही क्या? मामा असद भाई इतने बुरे भी नहीं हैं। तुम भी अपने बाप की जबान बोलने लगी हो। अच्छा मामा दो मिनट के लिए सोचें। क्या बुराई है असद भाई में? अच्छे खासे हैं, पढ़े लिखे हैं, गुड लुकिंग हैं, और हमारे अपने हैं। सिर्फ क्लास डिफरेंस की वजह से तो आप उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती ना। अच्छा बस चुप रहो। मरियम देखो पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, बल्कि इतना प्यार कि जितना वो हम में से किसी से नहीं करते। तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करेंगे ना? कोई तो वजह होगी जो असद भाई का इंतखाब किया उन्होंने तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना तुमसे चुप रहो। मामा प्लीज मुझे बात कर लेने दें। आप देख नहीं रही उसकी हालत क्या हो गई है? अगर पापा उसे इस हालत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका साथ दें आप। मैं किसी सूरत अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं होने दूंगी। वहां जाके मरियम की हालत मजीद खराब हो जाएगी। उनकी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। सिर्फ इसलिए कि वो घर छोटा है और वो हमारे जितने अमीर नहीं है, इस वजह से आप उन्हें रिजेक्ट कर रही हैं? क्योंकि मैं पापा पे ट्रस्ट करती हूँ। ये क्लास डिफरेंस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अपने पापा से कहो कि तुम्हारी शादी कर दें असद से। मामा आप जानती हैं मरियम को लेकर पापा की क्या हालत है? वो कितने परेशान है, कितने महीनों से सोई नहीं है ठीक से। आपको तो उनका साथ देना चाहिए, आप उनके खिलाफ जा रही हैं। तो मरियम की शादी किसी अच्छी जगह भी कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ असद भाई से नहीं करनी, क्योंकि वो हैसियत में हमारे जैसे नहीं है। मरियम क्या तुमने पापा से पूछा है कि उन्होंने असद भाई का इंतखाब तुम्हारे लिए क्यों किया? क्योंकि शायद उनको ये लगता हो कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। वो बस कर दो जोहान, प्लीज बस कर दो। मुझे शादी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी। मैं पापा से भी कह दूंगी कि आइंदा मेरी शादी की बात ना करें वो। और आप लोग भी प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कितना परेशान कर दिया तुमने उसे। अगर वो ऑफिस मुझसे मिलने के लिए आ भी गई तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों के अकाउंट में पैसे कौन ट्रांसफर करता है? वो
समझने की कोशिश करें, उसको जरूरत थी पैसों की। पर मेरी बात तो सुनो मरियम। हाथ छोड़ो मेरा, आप यहाँ से चले जाइए उमर भाई, प्लीज। मरियम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मेरी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दोगे। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। अब क्या मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता हूँ? सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? अम्मा, आप तो कम से कम बात को समझने की कोशिश करें। अगर वो ऑफिस मुझसे मिलने के लिए आ भी गई तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों के अकाउंट में पैसे कौन ट्रांसफर करता है? वो समझने की कोशिश करें, उसको जरूरत थी पैसों की। दोस्त है मेरी, मैं इनकार नहीं कर सकता था। तो ठीक है, कल मैं जहीर भाई से मिलूं, उनको बता दूंगी कि तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। और मरियम को? क्या मरियम को? बस तुम यहां से चले जाओ, जाओ यहां से। और उस लड़की को मैं तुम्हारे आसपास ना दे, समझे तुम? जाओ। मुझे साल पहले का वक्त याद है बहुत अच्छी तरह से, जब उसकी शादी हुई तो दिन रात मेहनत करता था, परेशान रहने लगा, खामोश हो गया। मैं तुझे देखता था, तुझसे पूछता था कि भाई तुझे क्या हुआ है, कौन सी परेशानी। तू हमेशा सर हिला के बात को टाल दिया करता। तू मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपसेट नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट। हाँ मैम, बाकी बहुत ज्यादा अपसेट था फिलहाल। मुझे मालूम है तू अपसेट नहीं, तू दुखी था, पत्थर हो गया था। खुशी है मुझे कि तेरी इस खुशी ने इस पत्थर को तोड़ दिया। अब मुझे उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वो आगे बहुत ज्यादा दुख झेल रही है, मैं उसे मजीद दुख में नहीं देख सकता। तेरी जिंदगी में आएगी तो ये सारे गम भूल जाए। खुदा करे ऐसे ही। एक बात पूछू तुझसे, तो इतना भी नहीं जानती कि तू उसे इतना चाहता, और ये अमीरी गरीबी का फर्क भी अभी तक मौजूद है। वो इतनी आसाइशों में पली बड़ी है, क्या तेरे घर में वो खुश रह पाएगी? क्या तू उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर पाएगा? देख, मेरा मकसद तुझे परेशान करना नहीं था। नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं भी इस बारे में सोच ही रहा हूँ कि क्या करूँ। तो तू एक काम भी नहीं कर, अपने मामू को बोलना कि तुझे स्टेबल कर, आखिरकार तू उनका होने वाला दामाद है। मैं मामू के पास जॉब नहीं करूँगा, मैं अपनी जॉब। वही पुरानी बात, देख इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सो कॉल्ड गैरत को ना तू गोली मार, जो मेहनत तू अपने ऑफिस में कर रहा है वही मेहनत तू अपने मामू के ऑफिस में कर, और उन्होंने भी तेरे लिए कुछ सोचा हुआ ही होगा ना। अंदाजा नहीं। देख, ऑफर देना तो इनकार मत करना, कोई बुराई नहीं है इसमें, बता रहा हूँ। क्या बात हुई बाजी से? कल बुलाया उन्होंने, कल चलेंगे ना? वो इनकार कर देंगी जहीर, देख लेना। अगर उन्होंने हाँ करनी होती तो वो फोन पर ही कर देती। ताकत वास्ता है, तुम अच्छा अच्छा सोचो। अच्छा, मरियम से असद की शादी में क्या अच्छा, बोलिए। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पता है मैं पहले बहुत परेशान, तुम चलोगी ना मेरे साथ? हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के दुखों का फैसला करने नहीं जा सकती। दुख नहीं होंगे शाइस्ता, तुम देख लेना। फिर क्या है ये, आप मुझे स्याह तस्वीर दिखा के कह रहे हैं कि मैं उसे सफेद करूं?
देखो मरियम, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं जो शायद आपको बहुत सारी खुशियां ना दें, लेकिन ये फैसले आपको बहुत सारे गमों से बचा सकते हैं। तुम चुप चुप कर रोती हो यार, अपनी जान तक देने की कोशिश की है तुमने, ना हंसती हो ना किसी से बात करती हो, अपने आप को घर में कैद कर लिया है, कितना दूर कर लिया तुमने खुद को जिंदगी से। मेहर से मोहब्बत करके तुम्हें क्या मिला? प्लीज मेहर से शादी को जिंदगी का एक फेज समझ के भूल जाओ, तुमको इसे बर्बाद ना करो। मेहर मेरी जिंदगी का सिर्फ एक फेज नहीं था जो, लेकिन वो तुम्हारी पूरी जिंदगी भी नहीं है, तुम दोनों का ताल्लुक खत्म हो चुका है। जानती हूँ, इसीलिए मैं किसी और से ताल्लुक नहीं बना सकती। ताल्लुक बना लोगी तो भूल जाओगी उमेर को। मूव ऑन मरियम, जो हो चुका उसके लिए इतना ना रो के पागल हो जाओ। सोहा तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी है, असद भाई से शादी के लिए हाँ कह दो, अपने लिए ना सही, पापा के लिए। उमेर से मोहब्बत करके क्या हासिल हो गया तुम्हें? पापा से मोहब्बत करती हो ना, उनके फैसले पे हाँ कह के उनकी खुशी हासिल कर लो। अच्छा चलो, सैड ना हो मरियम। मरियम मरियम, पर मेरी बात तो सुनो मरियम। हाथ छोड़ो मेरा, आप यहां से चले जाइए मेरे भाई, प्लीज। मरियम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी है तुम्हें मुझसे? मैं तुम्हें फोन भी करता रहा हूँ, तुमने फोन भी नहीं सुना, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो मरियम। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, तुम्हें आज मुझसे बात करनी होगी। क्यों करूं मैं तुमसे बात, और तुमने बात करने के लिए छोड़ा ही क्या है? बहुत शर्मिंदा हूं मरियम, मुझे प्लीज एक बार माफ कर दो। आप हाथ छोड़ें मरियम का, या मैं सिक्योरिटी गार्ड बुलाऊं? तुम बुला लो सिक्योरिटी, जिसको बुलाना है बुला लो। मरियम मरियम मेरी बात सुनो, मैं तुमने मेरा थामा हुआ हाथ छोड़ चुके हो, तुम्हें इसी बात का दुख है, तुम सिर्फ मुझे अपनी अनाह के लिए वापस पा लेना चाहते हो। अनाह नहीं, मोहब्बत है मेरी। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी उमेर, और तुम जानते क्या हो मोहब्बत के बारे में? तुम्हें पता है जब एक औरत को धोखा मिलता है तो सब रिश्तों से उसका एतबार उठ जाता है। धोखा नहीं, गलती हो गई। जानती हूँ धोखा नहीं दिया तुमने मुझे, लेकिन जो भी दिया है उससे बहुत बढ़ के दिया है। एक गैर लड़की के लिए तुमने मुझे तलाक दी है, मैं उसमें गुस्से में था यार। तुम्हारे गुस्से की वजह से मुझे हुए शागे। प्लीज उमेर अब तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि कहते हैं जब इंसान को होश आ जाए तो अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मरियम चले जाओ उमेर भाई यहाँ से आप, क्योंकि मरियम को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वैसे भी अब उनकी शादी होने वाली है और असद भाई उसे बहुत खुश रखेंगे। Thank you.
मरियम, मरियम बाहर आ जाओ, चला गया वो। जा चुका है वो, परेशान हो गई थी ना? हाँ, पता नहीं क्यों जोहा, जब भी मैं खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हो जाता, और मैं पहले से भी ज्यादा बिखर जाती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जा चुका है यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से भी। हाँ चलो शॉपिंग शुरू करें अब हम लोग। चलो चले जाएं उमेर भाई यहाँ से आप, क्योंकि मरियम को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वैसे भी अब उनकी शादी होने वाली है और असद भाई उसे बहुत खुश रखेंगे। फिर बाजी क्या सोचा आपने? अरे सोचना कैसा, ये रिश्ता मंजूर है मुझे। शुक्रिया आपका, मुझे यकीन था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। पता है जहीर, असद ने तो उसी दिन हाँ कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अपने भाई को घर बुला के रिश्ता पक्का करूंगी, वैसे तो तुम आते नहीं। कैसी बातें कर रही है बाजी, आऊंगा ना, हर रोज आऊंगा। तुम तो फिर भी आ जाते हो, शाइस्ता और बच्चियों को कम से कम आज तो ले आते। वो भी आएगी, सब लोग आएंगे। तो रस्म की बात तो उसके मशवरे से ही करोगे ना? मैं सोच रहा था बाजी के रस्म वस्म क्या करती है, बस सीधा निकाह करते हैं। अरे क्यों भाई, बड़ी शान और शौकत से मैं अपनी मरियम को अपने घर लेकर आऊंगी, एक ही तो बेटा है मेरा। उसकी जरूरत नहीं है बाजी, बस आप लोग होंगे और हम लोग होंगे, ठीक है, काफी है। चलो जैसा तुम चाहो, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज है। ठीक है, बाकी मामला तो तय होते ही रहेंगे, आप इस जुमे को निकाह की तैयारी करें। एक तो निकाह और वो भी इतनी जल्दी? बाजी जहाँ आप इतनी बातें मान रही हैं वहाँ ये बात भी मान लीजिए। शुक्रिया बाजी, ठीक है मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं शाइस्ता के साथ आऊंगा। खुदा हाफिज। उमेर, 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 मुझे बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ एक्सीडेंट, बताओ तो सही। पहले आप मुझे बताइए और सच सच बताइए, क्या आपको पता था कि मरियम की शादी हो रही है? बातों से क्या फायदा बेटा? मैंने आपसे पूछा है कि आपको पता था मरियम की शादी हो रही है या नहीं? आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या फायदा बताने से? इसका मतलब है कि मरियम आपसे मोहब्बत ही नहीं करती, क्योंकि अगर वो करती तो शादी के लिए हाँ ना कर सकती। वैर बेटा, तुम मुझसे वादा करो, पहले वादा करो कि तुम आइंदा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। अम्मा इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मैं उसे छोड़ू और वो दूसरी शादी कर ले। मरियम ये शादी जहीर भाई के दबाव की वजह से कर रही होगी बेटा। झूठ है ये सब,
ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी दबाव में आकर ये शादी नहीं कर रही। अगर दबाव में आकर शादी कर रही होती तो वो इतनी खुश ना होती। अपनी आंखों से देख कर आया हूं उसे मॉल में शॉपिंग करते हुए। इन सब बातों को छोड़ दो मेयर, तुम बस कुछ दिनों के लिए अमेरिका चले जाओ अपने मामू के पास। अमेरिका, 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 आप आखिर क्यों चाहती हैं कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं? वहां चले जाओगे ना तुम परेशान होगे और ना मैं परेशान हूँ। जाओ यहाँ से। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा बस। तुम लोगों का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हारे पापा असद से तुम्हारी बात पक्की कराए। मां वो पहले से ही परेशान थी, आपने उसे और परेशान कर दिया। क्यों परेशान थी? मॉल में उमैर मिला था हमें। क्या कहा उसने मरियम से? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, मैंने बात ही नहीं करने दी। उमैर से पता नहीं कब जान छूटेगी। मैंने सोचा था जरा बाहर जाएगी तो मूड ठीक हो जाएगा उसका, वहां से वापस आके तो और डिप्रेस हो गई है। बात करते हैं। बात सुने, आप मत बात करें। नए घर में उसे समझाने के लिए मैं और आप नहीं होंगे वहां। उसे खुद को खुद ही समझाना होगा, खुद संभालना होगा। जो मेहंदी का रंग है ये हर लड़की के हाथ पे ऐसे ही आते हैं? सिर्फ उन लड़कियों के हाथ पे जो अपनी शादी पे बहुत खुश होती हैं। यही है मेरा तुझे बाकी भी पाना सकी। अपनी खुशियों को अपने हाथों से दफन कर चुका हूँ मैं। मैं आपको ज़हनी तौर पे इस शादी के लिए तैयार। मर्द का दूसरी शादी करना बहुत आसान होता है, औरत तो समझती है कि उसका तमाशा बनाया जा रहा है। इंतजार करूंगा कि हमारी मोहब्बत कब आसान होती। तुझे बाकी भी पाना सकी।